ये आप फिश, ये फिश है, ये मटन मालूम ही नहीं चल रहा है, मतलब काफ़ी बढ़िया है। तो आइसक्रीम की बाड़ी लास्ट है डिजर्ट। जा रहा हूँ ऋषिकोटा बीच की तरफ, मतलब बारिश का मौसम बन रहा है, मतलब बाहर की तरफ आप अगर देखोगे तो बारिश लगातार होता ही जा रहा है, कभी थम रहा है कभी हो रहा है, मतलब क्या बोलो। घूमने आया था, सनी वेदर होएगा, अच्छा से घूमेंगे ऐसा नहीं, बट क्या कर सकते हैं, बारिश थोड़ा अभी कम है, थोड़ा बहुत देखते हैं, कम अगर हो जाता है तो अच्छे से घूमेंगे। अभी जा रहे हैं ऋषिकोटा बीच की तरफ। सो हेलो गाइस, मैं अभी पहुंच चुका हूँ ऋषिकोटा बीच पे, मतलब क्या खूबसूरत नज़ारा है। इधर पीछे आप देख सकते हो पहाड़ है और इधर समुद्र, मतलब क्या औसम नज़ारा है। और मुझे देखा अपने बागी राइडिंग मैंने किया 200 रुपये का लिया, एकदम बकवास है गाड़ी एकदम ख़त्म हो चुका है, गाड़ी का कुछ भी नहीं है, फिर भी मैंने चलाया, मज़ा थोड़ा बहुत आया। ये बीच जो है काफ़ी मज़ेदार है, इधर पे आप नहा भी सकते हो, इधर देख सकते हो सभी लोग इधर पे नहा भी रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ आज इन लोगों का कुछ अलग पूजा वगैरह कुछ है, मतलब पटाखा भी फोड़ रहा है और पूजा भी कर रहा है सभी लोग, ये मैं देख रहा हूँ कुछ। मैं अभी जाऊँगा उस जगह पे जाके थोड़ा देखूँगा क्या है उधर से, और मुझे थोड़ा देखना है और थोड़ा बहुत फोटो भी खींचेंगे, तो वीडियो पे बने रहो, पूरा घुमा के दिखाते हैं ये बीच को। चलो Isaac and I can't believe इतना खूबसूरत है ये जगह, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। सामने से देखोगे तो ये नज़ारा आपको देखने को, खूबसूरत नज़ारा है भाई जैक का, चारी तरफ देख सकते हो कितना खूबसूरत बना हुआ है ये जगह, काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर पे आके घूमने में। तो अभी जाएंगे उस जगह पे, कैसा है थोड़ा बहुत फोटो भी खींचेंगे। एक्चुअली में भाईजैक का ये जगह है, इसको बोलते हैं ऋषिकुंड बीच, आर के बीच दोनों जगह का नाम है, एक ऋषिकुंड बीच है और एक कौन सा बीच है शायद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरी देखना है। मतलब ये ऋषिकुंड बीच पे आप ना भी सकते हैं क्योंकि इस पे इधर पे पानी बहुत ही अच्छा है, साफ सुथरा है, इधर पे हम लोग नहा भी सकते हैं, सामने चल के देखते हैं क्या खूबसूरत नजर है। और ये सनग्लास देखो भाई ने इधर से सनग्लास खरीदा है, भाईजैक से सनग्लास खरीदा है, मतलब सस्ते में क्या खूबसूरत सनग्लास है। बीच साइड में सनग्लास का मजा ही कुछ अलग होता है क्योंकि आंखों में जब रोशनी पड़ता है, सूरज का किरण आता है, तब देखना पॉसिबल नहीं होता है, तो पहाड़ साइड पे एंड बीच साइड पे सनग्लास रखना जरूरी होता है। तो मैं ये बीच दिखाता हूँ, मतलब पीछे देखो पहाड़ है, ऐसा खूबसूरत नज़ारा सिर्फ भाईजैक में देखने को मिलता है। तो
कुछ अक्सा बीच घुमा दू आप चलती क्या আরে দাদা বৃষ্টি হচ্ছে চলো अभी लंच करने के लिए आए गए रिसेप्शन पे बेड स्वीट कॉर्न सूप बर्थडे का अभी लंच करेंगे फिर घर जाएंगे बाहर बहुत बारिश है। ये कुछ फ्राई काजू है इसके साथ प्लेट नहीं आ रही सामने Man is nice. Now it's time to eat. After that, I tell you. कैसा है इधर? बिरयानी का टेस्ट देखते पहले. कैसा है? यह है फिश करी. ये फिश करी के साथ ये बिरयानी टेस्ट करके देखते हैं. बिरयानी बहुत अच्छी है. है बहुत अच्छी. आई ना. मस्तम. अरे सलाद में लगा. देखो तुम्हें ये पीस है ये मटन है. काफी बढ़िया लग रहा है. ये मटन मालूम ही नहीं चल रहा है मतलब काफी बढ़िया है समुद्र का फिश है ये बिरयानी मांस होता है तो हाड़ी आचार इस बिरयानी में कलकत्ता का जैसा एक मटन पीस या एक चिकन पीस नहीं है बहुत सारा पीस है ये छोटा छोटा करके काफी बढ़िया लग रहा है एक्सीलेंट मैं इस रेस्टोरेंट को 5 स्टार देना चाहता हूँ 5 स्टार सुबह से अरे तुम पेटे जाते बढ़िया बनाया ना रेस्टोरेंट जैसा है बहुत ही बढ़िया है अरे की आमी क्वांटिटी काफी अच्छा है दिल्ली से रिजनेबल प्राइस मिल रहा है यार की बोल चटनी दी है हां चटनी दी है रायता ना रायता हो सादा हो गया ये चटनी दी है बिना चटनी एक और रुपए चटनी देख किरे ये भी वाली चाहिए चटनी येदा की दिए छे चटनी चटनी अभी रायता तो भी चटनी है पता नहीं ये क्या मसाला दिया है वो दी दो और काफी बढ़िया लग रहा है दो रकम में बिरयानी लेते थे बोनलेस ताई छोटे छोटे पीस है किनकी बाड़ी लास्ट है डिजर्ट